हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत हो चुका है तुम सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस आज हम खेल रहे हैं चूचू चाल का पार्ट 3। और गाइस जिसने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है वो जाकर के चैनल पे चेकआउट कर सकता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस चलते हैं जल्दी से वीडियो के अंदर। और गाइस लास्ट टाइम ना हम लोगों ने भाई चूचू चार्ल्स का एग चुराया था उस माइन से, जिससे कि भाई चूचू चार्ल्स लिटरली बहुत ही ज्यादा नाराज होने वाला है। तो गाइस आज ना अपने को भाई अपनी ट्रेन को और ज्यादा सिक्योर करना पड़ेगा, ताकि गाइस चूचू चाल ना जब भी हम पे अटैक करे हम लोग भाई सरवाइव कर जाए। और अभी देखो मेरी ट्रेन ये रही और गाइस वो रही वहां पे वो माइन जिससे हमने भाई ये चूचू चाल के एग चुराए थे। और गाइस हमारी गन ना भाई वो बहुत ज्यादा वीक है, लिटरली गाइस वो कुछ नहीं कर सकती। और गाइस देखो मेरे पास स्क्रैप भी खत्म हो रखे है, तो अपने को ना गाइस एनी हाउ ना स्क्रैप कलेक्ट करने है और साथ ही साथ भाई उस जगह से जाना है और जाके भाई एक गन लेनी। और गाइस गन जो मिलेगी ना वो इस जगह पे मिलेगी, इस मिशन को करके मिलेगी, तो अपने को जल्दी से चलना होगा पीछे और भाई उस एनपीसी से मिलना होगा, ताकि गाइस हम लोग अपनी गन को अपग्रेड कर सके। तो लेट्स गो गाइस जल्दी चलते हैं उस आदमी के पास। और गाइस जब तक मैं उस आदमी के पास जा रहा हूं या तो उस एनपीसी के पास जा रहा हूं, तब तक तुम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस यहां पे आती रहती है। और गाइस हमारी ट्रेन लिटरली उल्टी चल रही है। अरे भैया उल्टी ट्रेन कौन चलाता है यार, आप पागल इंसान हो गया, कभी उल्टी ट्रेन चलती हुई देखी आपने? अरे भाई यार मैं भाई बहुत देखी उल्टी ट्रेन, भाई मेरे घर ना भाई पूरा का पूरा स्टेशन के पास है, तो आई कैन भाई देख सकता हूं यार, मैंने बहुत देखी है। अरे भैया आप कुछ भी बोलते, एक काम करो यार रोको गाड़ी को, देखो आपका स्टॉप आ चुका है। अरे ठीक है भाई, थैंक यू चॉप यार बताने के लिए। लेट्स गो गाइस यहीं पे अपने को जाना है, तो जल्दी से भाई चलते हैं। स्क्रैप मिल रहे हैं ना गाइस, इनको नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर हम लोग इनको छोड़ेंगे तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है। और वेट भाई यहाँ पे आग लगी हुई है और ये बंदा क्या कर रहा है? ओके ठीक है यार, ये बोल रहा है कि ये फ्लेम थ्रोअर बना रहा था, जो कि भाई गलती से इसके घर के अंदर ही चल गया और उसके घर में आग लगी। ये कितना गंदा साइंटिस्ट यार, इसने अपने घर के अंदर आग लगा ली है, दूसरों को क्या ही बचाएगा। अरे भाई यार चॉप सुन, ये ना भाई एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने चूचू चाल से बदला लेने के लिए, इस वजह से इस घर के अंदर आग लगी है। अपने को ना भाई जल्दी से इस आग को बुझाना है, तो ये अपने को वो फ्लेम थ्रोअर देगा। तो एक काम करते हैं जल्दी से ऊपर चलते। अरे यार ऊपर चलना है भाई, नीचे क्यों गिरे जा रहा हूं मैं? ऑलराइट गाइस तो ऊपर चलते, स्क्रैप दिखा मेरे को। ओके इस स्क्रैप को भी लेंगे और भाई यहां पे भाई इसको नीचे करना होगा, तो जल्दी से इसको नीचे करते हैं ताकि इसके घर की आग बुझे। और यहां पे भाई और स्क्रैप है तो भाई मिल जाए। ओके एक और मिल चुका है अपने को। ऑलराइट गाइस आगे क्या और भी स्क्रैप्स हैं? ओके एक और है। अब आई डोंट थिंक ना कि यहाँ पे स्क्रैप होने वाले, तो चलते हैं जल्दी से अपने उस बंदे से बात करते हैं। लेट्स गो गाइस। ओके तो गाइस ये फाइनली रेडी हो चुका है अपने को वो स्प्रे देने के लिए, और गाइस इसने अपने को दे दिया। और देखे गाइस अंदर क्या हुआ है भाई, क्या हालत बना के रखी है। यहाँ पे देख सकते हो गैस कैंस की वजह से हुआ है। ओके एक पेंट मिला अपने को। ऑलराइट और भी कुछ मिल सकता है क्या? आई डोंट थिंक सो गाइस की और कुछ मिलने वाला है। और गाइस अभी ना हम लोग थोड़ा सा तो एडवांसमेंट ले चुके हैं, लिटरली हमने फ्लेम थ्रोअर अनलॉक कर लिए, जिससे कि भाई चूचू चार्ल्स का मरना पक्का है गाइस। ऑलराइट तो एक काम करना पड़ेगा ना गाइस, अपने को स्क्रैप लेने के लिए उस क्रॉस वाले लोकेशन पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए भाई मेरे को अपनी गाड़ी को चलाना है। बट उससे पहले गाइस ये देखो हमारी नई गन भाई, फ्लेम थ्रोअर भाई, लिटरली फ्लेम थ्रोअर छोड़ती है। और गाइस इसके आगे का देख रहे हो मुंह भी भाई पूरा गर्म हो जाता है, तो अपने को भाई बहुत ध्यान से छोड़ा होगा। मैं आगे क्यों जा रहा हूं भाई, पीछे चल रहे हैं। अरे भैया आप थोड़ी देर पागल हो गए, आपको पीछे जा रहे हैं आप आगे चले जा रहे हो। अरे यार चौप भाई फ्लो में कुछ ज्यादा निकल गया, तो इतना ध्यान मत दिया करो। अरे भैया आप नूब यार, फ्लो में बोलते हो भाई, पूरा का पूरा एकदम मजा खराब कर दिया मेरा। अबे यार चौप कोई ना यार, एक तो यार ये गाड़ी अजीब हो रखी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे जा रही है, बट ठीक है गाइस। ये देखो यहां पे गाइस मैं कलर चेंज कर सकता हूं, देख रहे हो तुम लोग एकदम तगड़े कलर। ऑलराइट तो गाइस यहां पे अपनी गाड़ी को रोकते हैं और जल्दी से चलते हैं भाई उस आंटी के पास, जो अपने को स्क्रैप देगी। तो लेट्स गो गाइस यहां से भाई उसका घर थोड़ा सा अंदर। और भाई मेरे को इस बात का डर है ना कि जब तक मैं उसके घर पे पहुंचू ना भाई चूचू चार्ल्स मेरे तक ना पहुंच जाए। लेट्स गो आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अपने को, बहुत ही प्यार से चलेंगे। ऑलराइट अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। और गाइस देख सकते हो सामने भाई जो चांद है भाई वो अलग ही लेवल पे निकला है। ऑलराइट आई थिंक सो मैं गलत ट्रैक पे आ चुका हूँ, तो सीधे ट्रैक पे चलते हैं। अरे भैया यार आपको सीधा रास्ता दिया गया, उसके बाद भी आप तिरछे रास्ते जाते हो यार, आप रास्ते को भटक जाओगे यार ऐसे। ठीक है भाई चौप में अब नहीं भटकूंगा। ओ सामने क्या कर रही है ये? ओके वेट इससे बात करते हैं, फिर पता चलेगा कि यहाँ पे कर क्या रही है भाई, देख रहे हो मटका उठका लटका रखा है। ऑलराइट गाइस तो अभी पता चला है कि ये औरत कोई स्पेल बना रही है चूचू चाल से लड़ने के लिए, जिसको ना भाई कुछ कमी पड़ रही है जैसे स्पेल को बनाने में, तो अपने को भाई वही कमी को पूरा करना है। और भाई वो है भाई पानी के बीच के अंदर अपने को जाना पड़ेगा, और वहां से भाई इसका कोई सामान या तो कोई पौधा या तो कोई मरी हुई मच्छी आई थिंक सो, पता नहीं क्या है आई डोंट नो, अपने को वो चीज लानी है और इस आंटी को देनी है, ताकि ये अपना स्पेल या तो जो भी ये बना रही है वो बना सके। तो लेट्स गो गाइस यहां से चलते। बट ये क्या लिखा हुआ है यहां पे भाई? ओ ये रेसिपी लिखी हुई है इसकी। और
राइट। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे रेसिपी है तो अपने को ऐसे कोई काम नहीं, अपने को भाई लगता है ना भाई पानी में डुबकी मार के जाना होगा, क्योंकि भाई वो बीचों बीच में, लेट्स गो जल्दी से डुबकी मारते हैं। ओके भाई यार बहुत ही ज्यादा अजीब सीन हो रखा है, लेट्स गो। ओके यहाँ पे क्या चीज पड़ी है, ओ ये फिश चाहिए थी उसको। ऑल राइट, तो अपने को फिश तो मिल चुकी है, यहाँ पे स्क्रैप भी पक्के पड़े होंगे, लेट्स गो गाइस। मेरे को बस आवाजें आ रही है भाई ट्रेन चलने की, आई थिंक सो ना चू चार्ज भाई बहुत ज्यादा पास है, तो भाई ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, स्क्रैप लेंगे और यहाँ से सीधे भाग लेंगे भाई। यहाँ पे हमेशा रात ही होती रहती है भाई, अलग ही सीन है इस जगह का भाई, दिन होता ही नहीं है, जब से आया हूँ तब से रात ही देख रहा हूँ। बट गाइस हमको क्या करना है यार, हमको तो बस ये स्पेल बनाने के लिए भाई जो सामान आंटी ने मंगाया था अपने को उन आंटी को देना है भाई। दिखने तो ये एक वेज लग रही है, बट कोई ना यार हम लोग इनको सामान देते हैं। ओके तो फाइनली इनको पसंद आ गया गाइस, जो हमने इनको सामान दिया और इसके बदले इन्होंने अपने को स्क्रैप दिया है। अब जल्दी चलते हैं अपनी गाड़ी के अंदर और भाई उसको अपग्रेड करते हैं। बट गाइस मेरे को क्यों लग रहा है भाई हर जगह से कहीं ना कहीं से चूचू चार्ल्स मेरे पे टपक जाएगा। ऑलराइट यहां से अपने को आगे निकलना होगा, डर के साथ में आगे तो चल रहा हूं, बट क्या पता गाइस क्या पता कि हमारे साथ आगे क्या हो जाए। सामने हमारी ट्रेन दिख रही, तो भाई जल्दी से भागते भाई, कोई नहीं देखने वाला अपने को, जल्दी से भागेंगे। चूचू चार्ल्स सबसे ज्यादा तेज नहीं होने वाला भागने में, क्योंकि भाई भागने में तो हम उसके भी बाप है यार। ऑलराइट यहां से तो इन आंटी से हमने चाबी ले ली थी और हमने उस चीज को भी लूट लिया था, लेट्स गो अब यहां से आगे चलते हैं। और गाइस मेरे को खबर मिली थी ना कि एक पायलट या तो एक लाइक वो नेवी का बंदा है ना, उसको अपनी जरूरत है, तो लेट्स सी कहां पे, ओ वो रहा वहां पे। तो गाइस अपने को ना जल्दी से उसके पास जाना होगा भाई, उसकी भी हेल्प करनी होगी यार। हम लोग भाई सबके हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को ना यहाँ पे चूचू चार्ल्स हंटर कह के बोलते हैं, इसीलिए गाइस इस सारे के सारे लोग हमारी मदद कर रहे हैं और हमारी मदद ले रहे हैं। और गाइस देख सकते हो यहाँ पे गाइस हम अपनी स्पीड को बढ़ा रहे ताकि हम जल्दी से उन अंकल के पास पहुंच सके और भाई आर्मर भी बढ़ा लेते भाई, क्योंकि चूचू चार्ल्स हर अटैक के साथ और हर दिन पावरफुल होते जा रहा है। और गाइस हमको उसको एनी हाउ रोकना होगा, और देख सकते हो गाइस हमारी इस नई गन के साथ हम लोग तो पक्का उसको रोक लेंगे। और गाइस हमारा भाई डेस्टिनेशन 800 मीटर होने वाला है, तो गाइस आई थिंक ना थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो मैं थोड़ा सा वहां पे पहुंच के मिलता हूं तुमसे। ऑलराइट गाइस, तो यहां पे हम लोग पहुंच तो चुके हैं, बट अपने को ना गाइस इस लीवर को चेंज करना होगा ताकि हम लोग सीधे उस पायलट के पास पहुंच सके। तो लेट्स गो गाइस, यहां से अपने लीवर तो चेंज कर लिया है, अपनी गाड़ी को देते हैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन और लेट्स गो भाई। चूचू करते हुए हमारी गाड़ी आगे निकल रही है और आई थिंक सो स्टॉप आ चुका है। ओके स्टॉप आ चुका है, हम लोग भाई आगे निकल जाएंगे। वेट 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 वेट, ब्रेक मारो, पीछे चला गया रास्ता। ऑलराइट भाई आई थिंक सो ना भाई ये वही जगह स्टेशन होगा ये, तो एक काम करते हैं जल्दी से यहाँ से उतरते हैं और फिर उस बुड्ढे अंकल से मिलते हैं। बुड्ढा तो नहीं, आई डोंट नो कैसा दिखता है वो, तो उससे अपने को मिलना होगा। यहाँ पे स्क्रैप दिख रहे हैं मेरे को, तो जल्दी से स्क्रैप ले लेते हैं और चलते हैं अंकल से मिलने। अरे तो भैया आप जाके और अंकल से मिलो ना, आप यहाँ पे स्क्रैप क्यों कलेक्ट कर रहे हो? भाई अगर मैंने स्क्रैप नहीं कलेक्ट किया ना तो यार चूचू चार्ल्स मेरी बैंड बजा देगा, इसीलिए कर रहा हूँ। अरे भैया यार वो अंकल आपको और ज्यादा स्क्रैप दे देंगे, आप जाके पहले उनसे मिलो, उसके बाद जो करना है करो। ठीक है यार चॉप, मैं तेरी बात मानता हूँ और चलते हैं यहाँ से सीधे नीचे। आधी लाइट तो यहाँ पे गुल हो रखी है। ओके नीचे चलना होगा। और गाइस यहाँ पे ना मेरे को चॉप तो दिखाई नहीं है। अरे भैया मैं कहाँ दिखूंगा वहाँ पे? अरे मैं डॉग्स की बात कर रहा हूँ भाई, मेरे को एक भी कुत्ता नहीं दिख रहा इस गेम के अंदर। अरे भैया वो तो बात सच है, मेरे को भी नहीं दिखाई यार, सच बता रहे हो आप, एकदम सही बोल रहे हो। और ये कौन सी जगह भैया? चॉप मेरे को तो लगता है कि भाई ये भी कुछ माइंस से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे भाई उसी का सामान पड़ा है, स्क्रैप भी मिल गया अपने को। अब जल्दी चलते हैं उन अंकल के पास और उनसे बात करते हैं, बट ये बड़ी अजीब जगह यार। ओके तो लेट्स गो अंकल से बात करते हैं। ओके तो गाइस अंकल जी हमसे कह रहे हैं कि उनकी जो जनरल है ना गाइस वो अपने घर पे भूल चुके हैं और वो इस एरिया को इमीडिएट लीव कर रहे हैं, इस वजह से ना अपने को उनकी वो जनरल जल्दी से लेके आनी होगी अपनी ट्रेन की हेल्प से। तो यार गाइस अपने को निकलना होगा यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना, क्योंकि क्या पता भाई इनकी बोट कब आ जाए। तो यार गाइस जल्दी से हम लोग ऊपर चलते हैं, अपन लोग भाई इतने लॉन्ग कट से जा रहे हैं ना भाई, ऊपर पहुंचने में 2 साल लग जाएंगे। अरे भैया इतने लॉन्ग कट से क्यों जा रहे हो यार, शॉर्टकट ले लो यार, तुरंत रास्ता है। आप इतना घूम फिर के जाते हो और बात करते हो, ऑडियंस को पका रहे हो आप। अरे चॉप कुछ भी बोलता है, अरे इसकी बातों पे ध्यान मत देना गाइस। तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दो और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया आपने उल्टा बोल दिया यार, सीधा बोलो। अरे वो गलती से उल्टा निकल गया गाइस, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम ऐसी वीडियो देख सको, ठीक है? और जल्दी से आगे चलते हैं यहाँ से गाइस, अपने को ना अपनी गाड़ी को मोड़ना होगा आई थिंक। ओके नहीं मोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो उसी साइड जाएगी जिस साइड भाई अपने को जाना है, और वो जगह हमसे अभी 200 या कुछ मीटर दूर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से पहुंचेंगे, अपने को कोई जल्दी बाजी भी नहीं है। ओके तो गाइस यहाँ वाली रास्ते पे ना मैं पहली बार आया हूँ, लिटरली ये मेरा पहली बार है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे अगर चूचू चार्ल्स मिल जाता है ना तो भाई मेरे को कोई हैरानी नहीं होने वाली, लिटरली भाई यार इतनी ज्यादा जगहों पे चूचू चार्ल्स है ना भाई, समझ नहीं आता कहाँ से निकल जाएगा। ओके क्या ये वो घर है जहाँ पे अपने को आना है?
नहीं 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 यहाँ पे भाई अभी नहीं आना अपने को, अभी तो अपने को 100 मीटर और आगे चलना है। तो लेट्स गो गाइस, अभी आप लोग को अपनी गाड़ी को बढ़ाते रहना है, रोकना नहीं है। लेट्स गो, उसकी जनरल उनको दे देते हैं, उसके बाद गाइस हम फ्री हो जाएंगे। आई थिंक ना गाइस अपने को यहाँ पे रोकना है। अरे भैया यहीं पे रोकना, यहीं पे रोकना है, रोक दो गाड़ी अपनी। अरे यार चौप मैंने रोक दी है यार, तो इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहा है भाई, हाँ पर है और वो क्या है वहाँ पे। ओके पहले एक काम करते हैं, पहले इनकी जनरल लेते हैं उसके बाद वहाँ पे जाएंगे। तो ये आई थिंक उसका घर है भाई, कितना अजीब सा घर है। अरे भैया यहाँ पे सबका घर ऐसा ही है, आप इतना ज्यादा ध्यान मत दो, जल्दी से उनकी जनरल लो अंदर वाले रूम में। अरे भाई चौप तेरे को कैसे पता अंदर वाले रूम में। ओके तो उनकी जनरल अपने को मिल चुकी है, और गाइस यार जो इनकी जनरल है ना मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा गाइस, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही। तो भाई वीडियो पे 50 लाइक कर दो और इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस आउट।